देखता था तो लगता था कि काश कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे बस इतना ही खुशी, इतना इतना ज्यादा खुशी है कि मैं सर से मिलने का मुझे अवसर मिला। बहुत ही ज्यादा हम लोग नालंदा घूमने, राजगीर घूमने गए थे और ये भी अपने परिवार के साथ वहाँ घूम रहे थे। ग्लास ब्रिज की लाइन में हम लोग खड़े थे तो ये पीछे खड़े थे, पीछे से इन्होंने पहचाना कि प्रवीण सर आप यहाँ, तो हाँ मैं ही हूँ। फिर वहाँ पर मुलाकात हुई और छोटी मोटी बात में फिर बताया कि गया सेंटर से सर मैं वहाँ मेंस आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, अच्छा जा रहा है लेकिन पिछले दो बार से रिजल्ट नहीं हो रहा है सर, थोड़ा परेशानी महसूस हो रही है। मैंने कहा था कि यार थोड़ा परिश्रम जारी रखिए, कई बार असफलता के बाद सफलता आती है और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी सफलता होगी कि हम लोगों को भी गया खींच रहेगी। और आज हम लोगों को काफ़ी गर्व है और आशा यही रहती है कि कई बार आप मेहनत करते हैं तो उस टाइम पे वो ना मेहनत रंग लाती है, कुछ समय बाद आपको वो उसका असर दिखता है। तो इसलिए अच्छा रहा ये जर्नी। वही मैं बता रहा था कि सोचिए मैं उस टाइम बस यही सोच रहा था कि सर से तो बात हुई थी लेकिन आज उस मेहनत ने, उस डेडिकेशन मेरा ये हुआ कि सर से ही आपके थ्रू सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। तो सोचिए मुझे मतलब ये चीज जो है वो मुझे लगता है कि प्रवीण सर बहुत ही आगे के लिए प्रेरणा देंगे। बहुत लोग कम करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो पहुंच गए कि हाँ ये तो मेरे साथ मेरे ही होंगे। तो फिर हमने कहा कि बच्चों को बोल दीजिए कि भाई अगर हम लोगों से जुड़े हुए रहे हैं तो बताएं छात्रों को कि हाँ हम लोग जुड़े रहे। दूसरा कल वरुण सर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे, कल क्या हुआ था कि रिजल्ट आया था तो सब लोग चर्चा कर रहे थे, बातें हो रही थी कि वो टॉपर हुआ है, हम लोगों का वहाँ से टॉप किया, हम लोगों का यहाँ से टॉप किया, उनसे बात कीजिए, उनका थोड़ा सा मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और जब ये सारी चर्चा चल रही थी तो वरुण सर को हम बोले कि एक्चुअली मेडाइवल का मेरा मैराथन रिकॉर्ड करना बाकी है, मैराथन रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। तो ये बोले सर आज के दिन भी आप रिकॉर्ड करने के लिए बेचैन है, ये शौक में थे कि आज ही पढ़ाने के लिए बेचैन है, आज तो रिजल्ट दिखाने का मौका है। बोले कि वो मेरा प्राइमरी गोल जो है वो पढ़ाना है, अगर पढ़ाएंगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा, वो आज कल अपने आ जाएगा और जो एक्चुअल में हमसे जुड़ा हुआ है वो खुद ही आगे कह देगा कि हाँ हम आपसे पढ़े। एक्सेस दे दीजिए ना हम लोग को उसमें, थोड़ा प्रखर में एक्सेस दे दीजिए। 9 दिन यहाँ से जितने भी लोग हैं सबका मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए। सब लोगों के लिए पहला टास्क होगा कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप जो जिस नंबर से मोबाइल नंबर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा वो मोबाइल नंबर आप लोग नाम और मोबाइल नंबर यहाँ नोट करा दीजिए। कल आप सभी का या आज रात में ही सबका ऐड हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ से, पीडीएफ भी फ्री। गया से क्यों नहीं आ रहा है तो यहाँ सारे जितने लोग जुड़े हुए हैं तेसरे सब पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, सारे यहाँ से बहुत ही ज्यादा रिजल्ट सर को दीजिए कि सर यहाँ आए हैं तो अगले बार 10 लोग यहाँ पे खड़े दस लोग मिलेंगे। आने वाले समय में हर जिले में, हर ब्लॉक में अगर हम लोग पहुंचे तो उस ब्लॉक में बैठा हुआ कोई ना कोई ऑफिसर एडिटेरिया का रहे और जो आगे खड़ा हुआ कहे प्रवीण सर हम आपसे पढ़े और वो सपना जो है हम लोग जी रहे हैं, वो देख के चले थे आज जी रहे हैं। बीच में मैं ऑफिशियल वर्क से ही कई ब्लॉक्स में मुझे जाँच करने का अवसर मिला, जाँच करने जाना पड़ता था तो मैं जब गया तो मुझे एक भी ऐसा ब्लॉक नहीं मिला जहाँ मैं पहुँचा और वहाँ के नए चयनित छात्र जो पिछले 4-5 सालों में सेलेक्ट हुए हैं वो ये ना कहे हों कि सर आपका मैगजीन पढ़ते थे, आपका वीडियो देखते थे, आपका ये क्लास ज्वाइन किए थे सर, मेंस दिए थे लेकिन उधर नहीं हुआ था तो तब तक हम ये ज्वाइन कर लिए हैं सर, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं मिला। तो अब लगता है कि हाँ हम लोग जो ड्रीम और सपना लेके चले थे अब उस पर हम लोग काफ़ी हद तक पहुँचने के करीब आ गए हैं और लगभग पहुँच गए हैं। और हम तहे दिल से चाहते हैं जितने लोग हैं छात्र जुड़े हुए हैं प्री में अधिक से अधिक रिजल्ट दीजिए, मेंस में हमको आइएगा कि हमारा क्या कैलिबर हम आपको क्या दे सकते हैं। हाँ प्री में थोड़ा इंडिविजुअल हो जाता है आपका लेकिन मेंस में आप समझिएगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और सर्वे जी की कॉपी कहीं पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए।
शेयर करेंगे भी, उसका पीडीएफ भी होगा और यहाँ पे फोटो कॉपी भी होगा उसका। तो चाहते हैं जितना लोग बचे हुए दिनों में ना अपना झोंक दीजिए, मेंस में हमें मिले जितने चेहरे मिल सकते हैं, आप में से मिलेंगे। और कंटिन्यूटी बनाए रखने में या प्रॉब्लम भी है तो ये बड़े मेरे बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई हैं, तो ये ऐसे बीपीएससी टीचर हैं, इनका भी था कि मैं भी बीपीएससी करूंगा, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद जैसे दो लोग का एक साथ तैयारी नहीं हो पाता है और फैमिली भी चलाना होता है, तो इन्होंने फिर अपने बीपीएससी टीचर को चुना कि अच्छा मैं पहले नौकरी कर लेता हूँ तुम पढ़ो। तो इतनी असफलता के बाद भी फाइनेंशियल कभी भी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मुझे कर लेना चाहिए नौकरी, मैं छोड़ देता हूँ ये कर देता हूँ। तो इनका मतलब मेरे माता पिता के बाद बड़े भाई के रूप में, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे एज ए मोटिवेटर हो एज ए प्रेरणा हो, पूरा सपोर्ट यही रहा। इसलिए मैं आपको उन लोग को कहता हूँ कि अपने बड़े लोग को, खासकर जितने भी बड़े लोग, जो भी आपसे बड़े लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अनुपास अनुभव होता है, आपसे एक साल पहले वो दुनिया और देख चुके हैं, तो अनुभव का सम्मान कीजिए तो आपको ये सफलता आपको चार गुनी हो जाएगी। जैसे मेरा दो रैंक है, सम्मान कीजिए उनका कीजिए, तो ऐसे लोग मिलेंगे, मेरे बड़े भैया जैसे लोग मिलेंगे, अपने अपने फैमिली जैसे लोग मिलेंगे, परवीन साहब जैसे लोग मिलेंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में काम देंगे। तो मैं यही, मैं बहुत ही